आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है एक निकम्मा है, ठीक है, जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं, लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है एक मेहनती है, जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं, तो छोटा भाई बड़े भाई से सीख क्यों नहीं लेता? पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान से जिंदाबाद पाक आर्मी। इन्होंने लगता है उठाया जा रहा है, इन्होंने उठाया जा रहा है। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी जलील और ख्वार लोग हैं। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, ये तो फिर ठीक कौन है? सच मत बोलो, हमने घर भी जाना होता है, हमने अपने बच्चों के पास भी जाना है, सच मत बोलो। हम उस कश्मीर को बाद में बचाएंगे, जो अपना मुल्क कश्मीर बन रहा है ना, इसको हम बचाएंगे सबसे पहले। मुझे आप एक चीज बताएं कि मैं एक उस बंदे के साथ कभी लिहाज करूंगा जिसके अपने मसाइल हैं? ठीक है, मैं तो हमेशा हमेशा जो गरीब आदमी है वो खुशहाल के साथ इलाज करता है, जिसके मसले मसाइल ना हो। कश्मीर को पता है ये पहले भूखे नंगे हैं, इनके अपने मसले हैं, कश्मीर हमारी तरफ क्या करने आए? हमारे हुक्मरानों को हमारे मुल्क की परवाह नहीं, तो आवाम को भी अब मुल्क की परवाह बिल्कुल नहीं रही। तो इसे नुकसान किसका है? नुकसान हम कहते हैं, पर जो हो रहा है होता रहे, ठीक हो गया। हम मुर्दा बन चुके हैं, हम जिंदा लोग मुर्दा बन चुके। तो आप गद्दार कहलाएंगे ना? अगर आप बोलते हैं कि ये चीज गलत हो रही है तो आप गद्दार। या अगर आप एग्जांपल ही दे देंगे, जैसे भी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो देखें उनकी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है और हमें ये कह दिया जाएगा ये देखो ये तो उसे प्रमोट कर रहा है, इंडिया को प्रमोट किया। सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाया जाता है, ठीक है, ये दो मुल्क तरक्की ना करे। नहीं लेकिन वो तो कर गए तरक्की, वो तरक्की कर गए ना। पाकिस्तान हल चाहता ही नहीं है कश्मीर का, ठीक है, इनके आड़ में खांचे मारे जा रहे हैं, इनकी आड़ में जो है ना कमाया जा रहा है। भाई कह रहे हैं ये मरेगा, लेकिन यह कि हमारा मेनसी मीडिया ने माफी मांग ली है, आप भी मांग ले। हमने जो बातें की गले में दिल से की है, मेरी सुने, यहाँ बाजारों से माफी मांग रहे हैं, हमने कोई गलत बात नहीं की है और हमने अपने घर जाना है, हम माफी मांग रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया से खबर आई थी कुछ दिन पहले कि केजरीवाल जो कि सीएम भी हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई उनको लेकर, फिर उसके बाद यूएस ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने और इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर शटअप कॉल दी और वार्न किया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर इंटरफेयर ना की जाए। पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर रशिया जाते हैं सिर्फ तेल के लिए तो उनकी गवर्नमेंट हटा दी जाती है। पाकिस्तान में बिजली के बिलों में इजाफा करना हो या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना हो वो IMF डिसाइड करता है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया तमाम कंट्रीज के साथ बिजनेस भी कर रहा है लेकिन किसी की जरूरत नहीं कि वो उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे। पाकिस्तान जो कि यूएस के साथ भी खास बिजनेस करता नहीं नजर आता, दूसरे कंट्रीज भी उस तरीके से ट्रेड या बिजनेस नहीं कर रहे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी किसी के भी दबाव में हम आ जाते हैं। पाकिस्तान पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है वीडियो में जानेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद अहमद। आपका नाम जी? अहमद रजा भाईजान, सी मार्केटिंग, G11 मरकज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हैं आप। और आपका नाम? इश्तियाक अली। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद। आप भी इस्लामाबाद से हैं? ठीक है। ये आप फलूदा खा रहे हैं, कितने का ये कप है या बाउल है या कितने का है? हम आज गेस्ट आए हैं, ये हमारे अली भाई है माशाल्लाह, ठीक है, ये भी हमारे साथ इस्लामाबाद में काम करते हैं लेकिन ये इधर ये लाहौर से रहते हैं, ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे से हमें लाहौर विजिट भी करवा रहे हैं, खिलाया पिलाया भी इन्होंने, बहुत खिदमत की हमारी, जबरदस्त। और ये मशहूर था यूसुफ फलूदा, कहता है ये आपको खिलाना, ठीक है। नहीं लाहौर लाहौर ये दिल वाले होते हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया है। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं खासतौर पर अगर हम बात करें बिजली के बिल तक जो उनसे हैं वो अमेरिका यानी IMF जो डिसाइड करता है, क्या वजह हम क्यों दबाव में आ जाते हैं इंटरनल मैटर में, क्यों दूसरे कंट्रीज इंटरफेयर चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो क्यों करता है? वैसे तो बड़ा सादा सा सवाल है, सबको पता भी है, जब आप खुद मुख्तार होते हैं आप अपने फैसले खुद से करते हैं, ठीक है, जब आप कर्जई होते हैं आप नहीं कहना चाहिए हमारा मुल्क क्या बुरा लगता है कहते हो, जब आप भीख के ऊपर चलते होंगे आप छोटी छोटी बात के ऊपर कर्जा लेने चले जाते हैं, ठीक है, हुक्मरान अपनी अय्याशियां बंद नहीं करते, इनसे पूछ लें, इनके बच्चे अभी आपने रिसेंटली केस देखा होगा, हाँ। अपने बच्चों की ये फीसें तक नहीं भरते, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देने, ये खुद गवर्नमेंट चलाते हैं और जो बात ना माने उसे प्रिंसिपल को हटा, प्रिंसिपल को हटा देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं, जब इस तरह की गवर्नमेंट होगी तो आप अपने फैसले किस तरह करेंगे? मुझे छोटा सा ये बात, ठीक है, ये आपसे मजीद भी सवाल करूंगा भाई, आप मुझे बताइएगा अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें उनके
इंटरनल मैटर में यूएस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, जर्मनी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, उन्होंने प्रॉपर शटअप कॉल दी, उन्होंने बोला ये हमारा इंटरनल मैटर है इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें चाहे जर्मनी हो या यूएस हो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो कैसे इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं? है तो हमारे साथ ही है ना। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है एक निकम्मा है, ठीक है, जो कमा रहा है उसकी इज्जत है, बिल्कुल है। क्या वजह है? वो पैसे लेके आ रहा है, ठीक है, वो मेहनत भी कर रहा है, वो सारा दिन घर के लिए आगे पीछे हाथ पैर भी मार रहा है, उसकी इज्जत भी थोड़ी मानी जाएगी, उसकी बात भी मानी जाएगी, उसकी सारी चीजें मानी जाएगी, थोड़ी नहीं ज्यादा मानेगी। एक निकम्मा है तो वो निकम्मा हमारा ये समझ लेगा, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम सब निकम्मे हो चुके हैं, चाहे हमारे हुक्मरान हो चाहे हम अवाम हो, सारे के सारे हम निकम्मे हो चुके हैं। तो हमारी जब जी दो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं, जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं, लड़ते भी नजर आते हैं, आपस में मुस्कुराते जो भी चीजें करते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है एक मेहनती है, जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया, हम निकम्मे हो चुके हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई से सीख क्यों नहीं लेता? मतलब क्या वजह? ये आपको पता है, मुझे भी पता है, हर एक को पता है कि आज इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट है, इज्जत है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आगे जा रहे हैं, वो लोग मेहनती है, उनके हुक्मरान मेहनती है, उनकी अवाम मेहनती है, हमारे हुक्मरान भी, हमारे हुक्मरान भी माशाल्लाह आपको पता है और अवाम भी पता है। आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? इसका जवाब ये है कि इंसान की ना उनकी प्रायोरिटीज है उनकी अवाम, ठीक है, उन्होंने अपनी आवाम के बारे में सोचना है, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ देना है, वो इस वजह से ग्रो कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी बैठी है, एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, उनकी प्रायोरिटी हम आवाम है ही नहीं है। फिर उनके हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी है उनके लिए प्रोटोकॉल कितना बड़ा होगा, उनके बच्चों अयाशियां कैसे करेंगे, वो लंदन में जाके फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सरकारी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक चीज बताएं, आपने रात को अपने बच्चों को ये रोड खिलाने हैं या रोटी खिलानी है? रोटी खिलानी है, एजुकेशन दिलवानी है। यहाँ पे जी नई स्कीमें आ रहे हैं जी, रोड बना दो जी, मोटरसाइकिल दे दो जी, आटा दे दो, आटा। अब बात ये है कि जब हमें वो एक हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी, बैगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, तो हम बैगर हैं, हम भीख मांगते हैं, हम सब पाकिस्तानी नहीं, ऐसे तो नहीं, आप अपना नहीं कमाते? सर मैं अपना कमाता हूँ, मैं भी अपना कमाता हूँ, मैं अपना कमाता हूँ ना, तो मैं ये जो अभी खा रहा हूँ, हाँ, ये यूसुफ लुदे वाला है जो, इसने टैक्स देना है, वो टैक्स का पैसा इसके ऊपर लगना है या इनकी अयाशियों में लगना है? ये बात है, मतलब आज आके हम लोग वो हैं जो इनको पाल रहे हैं। सही है, बात अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, बात रियलिटी है, क्योंकि अब हम लोग इसी माशरे में रह रहे हैं ना। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम यूनिवर्सिटियों में पढ़े, हमारी यूनिवर्सिटी की फीस थी 30,000 रुपया सेमेस्टर, मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है उसकी फीस है 25,000 रुपए। 25,000 कौन सी क्लास में? वो अभी नर्सरी में, नर्सरी मतलब अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं हुआ और 25,000 फीस है, और ये बड़ी चीजें सोचने वाली है। अच्छा एक चीज है इमरान खान साहब की, हम किसी पार्टी को सपोर्ट या नहीं करते, लेकिन इमरान साहब की गवर्नमेंट सिर्फ इस वजह से कि भाई वो रशिया के, उन्होंने अमेरिका की मर्जी के बगैर रशिया से आय लेना चाहा, या थोड़ा सा एक वो साइफर केस ये चीजें हुई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ही हटा दी गई। इंडिया में केजरीवाल है बड़ी पार्टी के, एक आम आदमी पार्टी है, और उन्हें अरेस्ट किया गया, जिसपे जर्मनी बोला इंडिया ने शटअप कॉल दे दी, जिसपे यूएस ने थोड़ी स्टेटमेंट दी, इंडिया ने बोला कि भाई रिस्पेक्ट इंडिया की रिस्पेक्ट की जाए। क्या कहना चाहेंगे? वो इतने इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं बोलने देते, या क्या जरूरत नहीं किसी दुनिया के कंट्री की के उनके इशू पे बोले? सर आप एक छोटी सी बात देखे ना, शायद आपके पास भी आईफोन होगा जी, आपने कितने का पीटीए अप्रूव करवाया? मेरे पास आईफोन नहीं है। ठीक है, मतलब कि उनके आप एक थोड़ी सी स्टडी कर लेना, पिछले 3-4 साल के अंदर एप्पल फोन उधर बन रहा है, ठीक है, आपकी लैम्बर्गिनी गाड़ी उधर बन रही है, अच्छा, आपकी फरारी उधर बन रही है, आपकी मर्सिडीज उधर बन रही है, आपकी बीएमडब्ल्यू उधर बन रही है। उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम लोग आपकी चीजें यूज करेंगे, उससे क्या होगा उनकी आवाम को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको सिंपल सी बात कही है कि वो आवाम का सोचते हैं, ठीक है। नहीं ये बड़ी जबरदस्त भाई ने बात की है कि भाई जो वहाँ पे फैक्ट्री लगती है ना, वो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, फिर हम आप यहाँ पे बिजनेस भी करो। हम कहते हैं हमें इतने परसेंट दे दो, माल चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे चाइना से लेके आओ, बेचो जैसे मर्जी, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही इनकी प्रायोरिटी हम है ही नहीं है, ठीक है। जिस दिन हुक्मरान की प्रायोरिटी हम आवाम हो गए ना, ये मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है। तो आपको नहीं लगता हमें भी आदत हो गई है कि ठीक है जैसे चल रहा चलने दो, जैसे चल रहा चलने दो, हम असल में डीट हो चुके हैं, एक बंदे की हद फर्क नहीं पड़ता, हम एक बंदे की हद होती है, हम उन हदों को पार कर चुके हैं अपने हुक्मरानों को देख देखे, हमारे हुक्मरानों को हमारे मुल्क की परवाह नहीं, तो आवाम को भी अब मुल्क की परवाह बिल्कुल नहीं रही। तो इसे नुकसान किसका है? नुकसान किसका? हम कहते हैं जो हो रहा है होता रहे, ठीक हो गया, हम मुर्दा बन चुके हैं,
हम जिंदा लोग मुर्दा बन तो आप गद्दार कहलाएंगे ना। अगर आप बोलते हैं कि ये चीज गलत हो रही है तो आप गद्दार। या अगर आप एग्जांपल ही दे देंगे, जैसे भी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो देखे उनकी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है और हमें ये कह दिया जाएगा ये देखो ये तो उसे प्रमोट कर रहा है, इंडिया को प्रमोट किया। सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2010 में मैं जर्मनी के अंदर था, फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर कितना बड़ा उनका एयरपोर्ट है, वहाँ एक कंप्लेन की गई कि 9 बजे के बाद फ्लाइट उठती है ना जो सराउंडिंग आबादी ने, उन्होंने कहा हम डिस्टर्ब होते हैं, हमने सुबह 6 बजे काम पे जाना होता है, उन्होंने 9 बजे के बाद फ्लाइटें बंद कर दी थी। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। अभी आप इधर निकले कितने लोग भीख मांग रहे हैं, इनके बारे में कौन सोच रहा है? और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपने नोट किया होगा भिखारियों की तादाद में पाकिस्तान खास और लाहौर में इजाफा होता जा रहा है। आप अभी इधर नजर दौड़ा लेंगे 4-5 आपको देखने को मिल जाएंगे। सर सबसे बड़ी बात है हम लोग है जरई मुल्क, हमारे मेरे ख्याल से थे अब नहीं है, हमारी पैदावार चावल हम अभी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं हम सोसाइटी। बस मतलब के बाद ये आज आके मुद्दा एक ही है, जब तक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी पॉलिटिक्स है, उनकी प्रायोरिटी ये अवाम नहीं होगी ना, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हम अगर बात उठाते हैं या एक चीज पे स्टैंड लेते हैं तो हम गद्दार हैं। नहीं, ऐसी सूरत हाल में हमें सीखने की भी जरूरत है ना। जैसे आपने किसी दूसरे कंट्री की एग्जांपल दी कि वहाँ पे इस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन है, यही चीज हम अपने नेबर से क्यों नहीं सीख लेते हमारे साथ। 1947 है ना, एक बच्चा है घर के अंदर डीड, उसने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, आप उसे मारते भी हैं लिटाते भी हैं, वो कहता नहीं पढ़ना। तो जब हमने एक इंडिया तो अब आया है ना, चाइना तो आप आगे निकल रहे हैं बहुत तेजी से निकल गया, हमारे बाद आजाद हुआ है। आज चाइना की इकोनॉमी, चाइना का ग्रोथ चेक कर ले, जब हमने ये सोचा होगा कि भाई इस आवाम को कुछ देना ही नहीं है तो फिर किस तरह दे सकते। अच्छा, ऊपर से एक लॉजिक हम ये भी रखते हैं कि भाई इंडिया से एग्जांपल हम इसलिए नहीं कंपैरिजन कर सकते, उनकी आबादी ज्यादा है, चाइना की आबादी ज्यादा है, क्या दुनिया के जो दूसरे बहुत से ऐसे कंट्रीज है जो हमारे से आगे हैं, क्या उनकी भी आबादी ज्यादा है जिस वजह से वो आगे हैं? आबादी ज्यादा होना कोई रीजन है डेवलपमेंट? मेरे ख्याल से अगर आबादी ज्यादा होगी ना तो उस मुल्क के अंदर ना भूख ज्यादा होगी, और वो लोग आबादी ज्यादा होने की वजह से हमसे आगे हैं। ठीक है, आबादी डजंट मैटर, वो एक कुराने पाक की आयत है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह पाक भी आपको कहते हैं कि आपकी नीयत ठीक है ना तो आपके उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं। जब आपकी मैं बात आ जाके वहीं पे ही है, जब तक हम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, हमारा हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान के इमेज का नहीं सोचेंगे, तब तक शायद ऐसा ही चलता रहेगा। और वो जो भाई ने बात की है कि हम ना ढीठ हो चुके हैं थोड़े से। और एक आखिरी में कड़वा सच कहूंगा, मैं अपने हुक्मरानों से माजरत ख्वाहूं जो मैंने अल्फाज बोले, क्योंकि मैंने घर जाना है, घर जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे पापा बोलता है तो मुझे सुकून की नींद आती है और मैंने सुकून की नींद करनी है। तो भाईजान अगर कोई मेरी बात हुक्मरान किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह। अभी हमने किसी पार्टी का किसी का नाम नहीं लिया, हम इतने खौफ में आ चुके हम फिर भी माजरत ख्वाह हैं भाईजान। अभी हम आजाद पाकिस्तानी हैं, आजाद है, आप आजाद हो मैं आजाद हूँ, 14 अगस्त किस लिए हम मनाते हैं? तो मैं आपसे ऐसा सवाल करूँ, आपने उसको काट देना तो आप आजाद नहीं है, आप अपने दिल में समझ गए होंगे। अच्छा, हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम वो बस पटाखों के लिए, ठीक है, पटाखे वाला मनाते हैं पैसे कमाने के लिए, हम मनाते हैं मजे के लिए, ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीजें देखें, सुन के, देखने में, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ इन्हें पाकिस्तान से जितना प्यार होगा, हमें पाकिस्तान से जितना प्यार होगा, ऐसे ही मतलब 14 अगस्त हम जो है ना मनाते हैं एक दूसरे की बजाने के लिए, हर टाइम लगाते हैं एक दूसरे कान में बजा रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली हम एक दूसरे की बजा रहे। 14 अगस्त का मतलब समझे नहीं, हम क्यों आजाद हुए थे? क्यों आजाद हुए? हम आजाद इसलिए हुए थे हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हों। पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा था, हम अपने पाँव पे आज तक खड़े नहीं हो सके, हमारा मुल्क चल ही कर्जे पे रहे, इनकी याशियां नहीं खत्म होती, पे चला दी है वो कर्जे पे चल रहे हैं, ठीक है, और जिनसे हम अलग हुए, जिनसे हम अलग हुए कोई कुछ नहीं कर रहा, ये हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, ये आए दिन कोई ना कोई तोप, कोई ना कोई F-17 F-16 बनाते हैं, डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। यही अगर जापान वगैरह गाड़ियां बना के तरक्की कर सकता है तो ये F-16 से निकले और गाड़ियां बनाए। मैं कहता हूँ जैसे ये भाई ने बात की है, मैं कहता हूँ जापान से हमारा पैसा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं, ये इकट्ठा करना नहीं चाहती, ये लॉबी है जो बाहर से 1.5-1.5 साल का जो है ना ये टाइम पीरियड लगाते हैं, 1.5 साल इसको हुकूमत दी, 1.5 साल इसको दी, 1.5 साल इसको दी, एक बंदे को 5 साल हुकूमत करने ही नहीं देते,
इनके अपने सच मत बोलो, हमने घर भी जाना होता है, हमने अपने बच्चों के पास भी जाना है, सच मत बोलो। चले जी मजा आया। लास्ट में बस यही पूछूंगा, बेहतरी कैसे आ सकती है? जो ये भाई ने बात की, आपने तो जर्मनी की बात की ना, इन्होंने चाइना की बात की, मैं कहता हूँ ये भाई कहते हैं इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रांड आ चुके हैं। जर्मनी की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, हम इधर रहते हैं, हमने पाकिस्तान की बात करनी है, इंडस्ट्रियां लगाएं, संते लगाएं, हमें आटे की लाइन में ना लगाएं, हमें मुफ्त का आटा नहीं चाहिए, हमें खुददार बनाए, हमें नौकरियां दे, आवाम को नौकरियां दे, वो काम करें, वो इधर से कमाए, खुद से कमा के खाएं। आपने हमें भिखारी बना दिया है, अल्लाह का शुक्र हम साहिबी हसीयत हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम खा रहे हैं, हमारे ऊपर 10 बंदे मांगने वाले आ गए हैं, हमें शर्म आ रही है, हम खाएं कि हम उनको दे दें। ठीक है, और ये तो वो जो मांगने आ गए हैं, मिल बांट के खाएं आप, हमें संते लगा कर दे, आवाम गरीब को नौकरियां दे, नौकरियां पैदा करें, लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में हर तरह की सलाहियत मौजूद है, हर तरह का नौजवान मौजूद है, सिर्फ क्या यहाँ मौके मौजूद नहीं है। हराम खोरों की इनके याशियां खत्म हो जाएंगी, ये मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान नीलाम हो रहे हैं, PIA नीलाम हो रही है, रेलवे नीलाम हो रही है, हमारे जमीन नीलाम हो गए हैं, हमारे जमीन नीलाम हो गई, BTCL नीलाम हो चुकी है, इनको अस्करी के इदारे नीलाम करने की जरूरत नहीं है, APS स्कूल नीलाम करने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, ये अपना फंड है, खुद ही यूज करते हैं, खुद ही नहीं। उसमें ये भी कहा जाता है ना, आपने बोला ना ये F-16 बना रहे हैं, F-17 बना रहे हैं, उसमें ये कहा जाता है दुश्मन हमला कर देगा, तो आपको नहीं लगता कि मतलब डिफेंस हम कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाया जाता है? ठीक है, ये दो मुल्क तरक्की ना करें, लेकिन वो तो करके तरक्की, वो तरक्की कर गए ना, पाकिस्तान हल चाहता ही नहीं है कश्मीर का। ठीक है, इनके आड़ में खांचे मारे जा रहे हैं, इनकी आड़ में जो है ना कमाया जा रहा है, भाई कह रहे हैं ये मरेगा, लेकिन ये कि हमारा मेनसी मीडिया ने माफी मांग ली है, आप भी मांग ले, हमने जो बात की गले में दिल से मेरी सुने, यहाँ बाजारों से माफी मांग रहे हैं, हमने कोई गलत बात नहीं की है और हमने अपने घर जाना है, हम माफी मांग रहे हैं, ठीक हो गया, जब बात भी कर रहे हैं साथ माफी मांग रहे हैं, खैर अच्छा, शर्मिंदा खुद से, तो हमारे पॉलिटिशियन भी शर्मिंदा हो जाए, यार सॉरी भाई, पाक फौज के साथ है, ठीक है, कुछ फैसले जो हैं उनसे पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, बड़ी सीरियस नोट पे ये बात कर रहे हैं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्या मतलब पाकिस्तान के किसी भी इदारे में अगर कुछ गलत होता है उसके ऊपर बात की जाएगी, उसका मतलब ये है कि आपको उस इदारे से नफरत है? नहीं, चाहते हैं बेहतरी लेके आए, पाक फौज भी हमारी है, हम तो बहुत प्यार करते हैं, नाहिल शरीफ है, उसने किस कदर जो है ना इज्जत के साथ अपनी जॉब की, इसी तरह हमारे जो है ना मुहाफिज सरहदों के कितनी प्यारी ड्यूटी कर रहे हैं, इसी तरह जो जर्नैल है उनमें से कुछ बंदों को जो है ना एक होना पड़ेगा, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना, अपनी जात से निकल के पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, तब कामयाबी और कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, नहीं कश्मीर का किस तरफ जाना चाहता है उसका हल निकालना, लेकिन आज अगर ईमानदारी से पूछ लिया जाए, आप इस्लामाबाद से वो कश्मीर की आड़ में खाना नहीं चाहिए, आप इस्लामाबाद से हैं, कश्मीर आपके ज्यादा नजदीक है, मुझे बताएं कश्मीरी इस टाइम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, वो तो कहते हैं हमें हमारा भाई है लेकिन अलहदा, बस मैं कह रहा हूँ ना कि कश्मीर का हल निकालना चाहिए, अगर वो इंडिया की तरफ जाना चाहता है उसको इंडिया की तरफ जाना चाहिए, अगर पाकिस्तान में आना चाहता है पाकिस्तान, ठीक हो गया जी, बिल्कुल एट द एंड फायदा पाकिस्तान का होना चाहिए, अपने कंट्री का होना चाहिए, इन्होंने भी जो बातें की है डेफिनेटली पाकिस्तान की मोहब्बत में की होगी, तकलीफ होती है वो एक्सप्लेन किया जाता है, आइए मजीद भी किसी से बात करते हैं जो यहाँ पे लोग हैं मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पाकिस्तान से जिंदाबाद, मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाक आर्मी, इन्होंने लगता है उठाया जाना है, इन्होंने उठाया जाना है, और ये जो हमारे हुक्मरान है ये भी जलील और ख्वार लोग हैं, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है जरदारी चोर, ये डेढ़ साल के फेवरेट लोग हैं, तो फिर ठीक कौन है, कोई भी है ना, ये फेवरेट लोग है, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, ये पाकिस्तान के लिए तो ये तो ये भी कहा जाता है जैसी वाम वैसे हुक्मरान, इसका मतलब है फिर अवाम भी गलत है, हम भी गलत, हम कौन सा अच्छे हैं, टैक्स देने की बारी आती है सबसे बड़े चोर ही हम होते हैं, हमको कौन मतलब टैक्स देता है, ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि क्योंकि पता है कि ये गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, अगर इन्हें नहीं कोई कुछ पूछ रहा तो मुझे भी नहीं पूछेगा, लॉ एंड जो है ना वो कानूनीत नहीं है, इस वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है, टैक्स हम देने के लिए तैयार है लेकिन सहूलियात मिलनी चाहिए, हाँ यानी आपको पता हो आप जो टैक्स दे रहे हैं, आपको पता हो जो टैक्स दे रहे हैं, फ्री होनी चाहिए, ठीक है दीगर सहूलियात है वो मिलनी चाहिए, लेकिन ये हल नहीं है कि आप टैक्स मुसलब करते रहे और बेनिफिट्स ना हो, ठीक है, हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सहूलियात, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करके, लाहौर में बैठे हैं इस्लामाबाद के भाइयों के साथ गपशप कर रहे हैं, लेकिन जो सोच है इस्लामाबाद के लोगों में और लाहौर के लोगों की जो सोच है थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एक्सपोजर है वो थोड़ा फर्क है, मुझे बताएं लाहौर में तो हम डेली प्रोग्राम करते हैं,
क्या समझते हैं पब्लिक में ये अवेयरनेस कैसे आएगी, जो चीजें इन्हें पता है, जो इन्हें पता है, जो इन्हें पता है, ये कैसे अवेयरनेस? अगर पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी ना तो वो मोजे से आएगी, मोजा बस। पाकिस्तान को कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं भाई जान। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम मर चुके हैं, हम जिंदा लाश हो चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान को बचा सकता है तो कोई मोजा ही बचा सकता है, मेरी नजर में यही पॉलिसी नहीं बना बचा सकता। इस तरह मैं भी देखे, मैं भी डिसएग्री करूंगा। ऐसे तो हम घर में बैठ जाएंगे भाई, मोजा होगा। मायूसी कुफर है, मायूसी नहीं करना चाहिए, मायूसी गुनाह और कुफर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैसे बेहतरी आ सकती है? बेहतरी इस तरह आ सकती है, हम अपने आप को भी ठीक करें। पहले हम ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। हमें टैक्स भी देना चाहिए, जो असलाह था वो करनी चाहिए। हम अच्छा काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हर चीज में टैक्स देते हैं। मैं कहता हूँ टूथब्रश भी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। ठीक हो गया, फलूदा खाया हमने इसके ऊपर भी टैक्स दी है। भाई जान आप इनकी बात से एग्री करते हैं या इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला कि काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और फिर बेहतरी आ सकती है। इन्होंने बोला आप कुछ भी कर लो बेहतरी नहीं आती, नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है जी, पाकिस्तान जो है ना मोजों से नहीं बना। ठीक है, हमें तो ये बताया कि हम मोजे से बना। पाकिस्तान के पीछे कुर्बानी है, लेकिन आगे अब चोर आ गए तो उनका क्या हो सकता है? ठीक, डेढ़ डेढ़ दो दो साल के पीरियड लगाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान से नहीं है, बाहर से कोई इनके वो तो एक बादशाह का निजाम हो, एक जर्नैलों का निजाम हो, मानते हैं कि भाई यही सिस्टम चलेगा। ठीक है, वजारत हो पाँच पाँच साल की हो, दस दस साल की हो, ये क्या डेढ़ साल इसको दे दिए, डेढ़ साल इसको दे दिए, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं दिहाड़ियाँ। ठीक, एक वजीर आजम दिहाड़ी लगाएगा, दूसरा शरीक जुर्म करे तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा भाई जान बड़ा मजा है आप सबसे बात करके। मुझे इनसे तो हमने वाइंड अप कर लिया, आपने लास्ट में ये बताना है बेहतरी एक तो कैसे आएगी और दूसरा नंबर पर फर्क कहाँ पे आया? अगर हम पाकिस्तान की और इंडिया की बात करते हैं वो 1947 में वो भी आगे निकले, हम भी आगे, हमने भी सफर स्टार्ट किया, किधर फर्क आया? फर्क इधर आया कि लोग जैसे जैसे टाइम गुजरा है ना, हर मुल्क ने नई सोच को, नई चीजों को अडॉप्ट किया है। हाँ, नई यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटी दी गई है, ऊपर आए हैं। हम लोग वही 1960 की 70 80 की सियासत को लेके आज तक चल रहे हैं। हम कहते हैं हमारा कहाँ चिट्टा है, बस इससे आगे हम सोचना ही नहीं चाह रहे। हत्ता कि इस ये बहुत कॉम्पिटेंट मुल्क है, बहुत पढ़ी लिखी आवाम है और बहुत ही एजुकेटेड और बड़ी वेल, यानी आप गूगल आपके बंदों को उठा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये है कि हर एक पाकिस्तान से कम भी करने नहीं चुके जाइए। यार वो कहते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्ध की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ने बोला मुनीर साहब है जो आर्मी चीफ है, दलेर आदमी है, वो इन हुक्मरानों को जो ना उल्टा लटकाए, जिंदाबाद, किसी को भी ना छोड़े, जिंदाबाद। 10 साल के लिए किसी के हवाले कर दे, अपने हवाले कर ले पाकिस्तान को। हाँ पाकिस्तान, तो फिर ये बॉर्डर कौन बचाएगा जो हम कहते हैं, यानी कि दो दो काम तो नहीं पे है ना, एफसी है, आपके रेंजर है, लेकिन आम है ना बॉर्डर पे। लेकिन कश्मीर के मसले से निकले, हमारा सीना हाजिर है, अरबों रुपए का जो है ना हमारा बजट खाया पिए जाए, हमारे सीने हाजिर है। कश्मीर की आपने बात की है, वो वहाँ से अब आपको लगता है कि कोई मुकाबलेबाजी नजर आती है? उनके तो उनके मिनिस्टर ने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि हम अब कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे, ये प्रॉपर स्टेटमेंट दिया उन्होंने। बोला कि शायद ऐसा टाइम आएगा कि कश्मीरी खुद कह देंगे कि हमने इंडिया साथ जाना। सर हमारा ताल्लुक ही नहीं है, वो खुश रहे। ठीक है, कश्मीर ने आज तक हमें ना कुछ किया है ना, हमने नहीं नहीं देखें, ये बिजली कहाँ से आ रही है? कश्मीर से ही आ रही है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? कश्मीर से आ रहा है। सर आ रहा होगा, ठीक है, बदले में उनको जा भी बहुत कुछ रहा है, हमारा बजट भी जाता है। इधर मैं बता दूँ क्या कहता है, आलू प्याज टमाटर सब्जी सारी कश्मीर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद जा रही है, फ्री जा रही है। पैसों में हम वो बात नहीं कर रहे कि खैरात ले रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाए। हम वो बात नहीं कर रहे कि फ्री में जा रही है, खैरात में जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही है। ठीक है, कश्मीर हमारा दिल है, जान है, जिगर है। कश्मीर को कोई गलत आंखों से देखेगा हम उसको चीर देंगे। कश्मीर हमारे समझ ले के एक दिल का हिस्सा है। लेकिन हम भी तो कुछ करेंगे ना। आप क्या जवाब देना चाहेंगे लास्ट में? सर लास्ट में जवाब यही है कि हम उस कश्मीर को बाद में बचाएंगे, जो अपना मुल्क कश्मीर बन रहा है ना इसको हम बचाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि अभी आप अपने बलोचिस्तान को बचाएं, अपने बलोचिस्तान को बचाएं। दूसरी बात ये, हम इस पंजाब लाहौर में बैठे हैं, आप रोड अभी आप सिंपल सी चीज देख रहे हैं, रोड क्राइम कितना बढ़ गया, बिल्कुल स्नैचिंग कितनी ज्यादा हो रही है। तो बात यही है कि उस कश्मीर को तो हमने तब बचाना जब हम खुशहाल होंगे। जब हम भीख मांगने पे भूखे नंगे बैठे हैं तो हम दूसरों को क्या प्रोटेक्शन देंगे? नारे तो लगाएंगे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और एक सर मेरी बात सुने, मुझे आप एक चीज बताएं कि मैं एक उस बंदे के साथ कभी लहाक करूंगा जिसके अपने मसाइल हैं? ठीक है, मैं तो हमेशा
हमेशा जो गरीब आदमी है वो खुशहाल के साथ इलाज करता है, जिसके मसले मसाइल ना हो। कश्मीर को पता है ये पहले भूखे नंगे हैं, इनके है। अपने मसले हैं, कश्मीर हमारी तरफ क्या करने आएगा। फिर दूसरे नंबर पे वो कश्मीर की तो बात छोड़ दे एक मिनट के लिए, हमारे पास कश्मीर है, हम वहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे पास तो है ना कश्मीर। भाईजान बात सिंपल सी यही है, हम हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह इस मुल्क को चला रहा है, आप भी इसी के कीधे पे रहे, हम भी रहेंगे, बाकी अल्लाह हमारे साथ। अच्छा आप भी माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं, तो हम भी काम करते हैं इस्लामाबाद में, आपने ये वीडियो भी कट नहीं करनी। नहीं नहीं कट नहीं होगी, सी मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक है, प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, ठीक है। इस्लामाबाद में मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ठीक है। जी लेन मरकज में 0332132132। आपको कॉल्स बड़ी आएंगी, ये मैं आपको बता दूँ, नंबर काट देना, ठीक हो गया। मैं ये पहले बता दूँ, ठीक हो गया जी। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, ज्यादातर हम 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन आधे घंटे की ऑलमोस्ट इनसे बात हुई है। खासतौर पे ये भाई ने जो बातें की हैं अथेंटिक बातें की हैं, इन्होंने भी बातें अच्छी की हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी रिस्पेक्ट तभी होगी, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम अपनी पॉलिसीज बेहतर करेंगे, जब हम किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय ट्रेड करेंगे, एड की बजाय ट्रेड करेंगे, तभी बेहतरी आएगी। अदरवाइज ऐसे ही मायूसी वाला माहौल रहेगा, कोई करिश्मा कोई मोइजा ऐसे नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो ही पाकिस्तान में चेंज आएगा, और उसके लिए मुझे भी जरूरत है काम करने की, इन्हें भी जरूरत है काम करने की, हर पाकिस्तानी को जरूरत है काम करने की। ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।